पहले सब्सक्राइब और घंटी दबाएं, फिर सभी नए इल्मी वीडियोस को पाएं आमिर गुलशेर चैनल पर। Now subscribe and bell press. Watch video of Amir, so be the fresh. दोस्तों, अक्सर मदारिस के तलबा और कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के दिलों में ये तमन्ना होती है कि हम फर्स्ट डिवीज़न से एग्ज़ाम में पास हों, इम्तियाजी नंबरात हासिल करें और जो हम अपनी पूरी लाइफ एजुकेशन में लगा रहे हैं इसका हमें बेनिफिट नज़र आना चाहिए। हम मदारिस में बहुत सारे उलूम पढ़ते हैं ताकि हम कुरान और हदीस को समझ जाएँ। हर तालिबे इल्म की ख्वाहिश होती है कि उसके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि ख़ुद से तफसीर की किताबों को हल कर सके, हदीस की किताबों को हल कर सके, फ़िक्ह फ़लसफ़े की किताबों को हल कर सके, लेकिन नतीजा हमारे सामने है कि कितनी तादाद इस हद तक पहुंचती है और कितनी तादाद खाम इस्तेदाद तलबा की रह जाती है। हालांकि वक्त सबको बराबर मिलता है, हाँ पढ़ने के तरीके मुख्तलिफ हैं। कुछ तलबा होते हैं जो तकरार और मुताले के अहतमाम से पढ़ते हैं और कुछ सिर्फ सुनते हैं, न पहले मुताला न बाद में तकरार। यही है असल वजह सलाहियतों के मुख्तलिफ होने की, तरीके मुख्तलिफ, सलाहियतें मुख्तलिफ। दोस्तों, हर स्टूडेंट के जहन में सवाल होता है कि हमें पढ़ने का कोई ऐसा तरीका बताओ जिसकी बेस पर हम 100% परफेक्ट इन एजुकेशन हो, हम अपने अंदर इल्मी सलाहियत और इस्तेदाद को पुख्ता कर सकें। तो आज मैं आपके सामने हजरत थानवी अलैहि रहमा का बयान करता ऐसा ही एक तरीका शेयर करने जा रहा हूँ जिसको अपना कर आप 100% अपने अंदर इल्मी इस्तेदाद और सलाहियत पैदा कर सकते हैं। हजरत थानवी अलैहि रहमा फरमाते थे कि तलबा तीन बातों का इल्तिजाम कर लें तो इल्मी इस्तेदाद पैदा हो जाएगी। नंबर एक, आइंदा सबक का मुताला ज़रूर करें, और मुताले में किताब का हल करना ज़रूरी नहीं बल्कि मालूमात और मजहूलात में तमीज़ पैदा हो जानी चाहिए, यानी तालिबे इल्म को ये मालूम हो जाना चाहिए कि इतनी बातें मैं समझ चुका हूँ और इतनी बाकी हैं। नंबर दो, उस्ताद से पढ़ते वक्त बिला समझे हुए आगे न बढ़ें, यानी जब उस्ताद पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उस्ताद से अदब के साथ दरख्वास्त कर सकते हैं और उसको समझने के बाद ही आगे बढ़ें। नंबर तीन, जब समझ जाएं तो बाद में एक बार खुद उसी मतलब की तकरीर कर लें। हजरत फरमाते थे कि इस्तेदाद पैदा करने के लिए ये तीन चीज़ें तो वाजिब हैं और एक चीज़ जो इस्तेहबाब के दर्जे में है वो ये है कि रोज़ाना पिछले पढ़े हुए हिस्से में से कुछ हिस्से का मुताला कर लिया करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें और कोई राय या सवाल भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए कोशिश करते हैं अगली वीडियो में मिलने की। खुदा हाफिज़।